हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान में। मैं अभी आज आपको हमारी टीम के एक पर्सन से मिलाऊंगा जिनका काफ़ी एक्सीलेंट इंटरव्यू हुए हैं। काफ़ी इंटरव्यू इन्होंने कंटिन्यू मतलब कोई इंटरव्यू मुझे नहीं लगता इनका ऐसा रहा हो जिसमें इनको रिजेक्ट किया गया हो। वो इसलिए था कि एक तो पहले का इनका अपना अच्छा एक्सपीरियंस था और कुछ चीज़ें यहाँ से ऐड ऑन की हैं तो वो थोड़ा सा बताएंगे। और एक इम्पोर्टेंट नोट और है, हमारा इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स अभी ऑफलाइन भी स्टार्ट हो गया है, PLC भी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स ऑनलाइन बैच भी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। तो डियर प्लीज़ थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सर अरुण राय हुआ सर, हम बिहार से बिलोंग करता हूँ, छपरा जिला से। सर मैंने 2019 का बीटेक पास आउट हूँ इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। और सर हम 3 ईयर्स सर मेरा एक्सपीरियंस था सर बेंगलोर में। बस सर दे सर हमको कॉम्पिटेंस वाला नॉलेज नहीं था। इस कारण सर इसके लिए हिंदुस्तान का यूट्यूब पर देखे सर, इमीडिएटली सर जॉब स्किप कर कर यहाँ का सर ज्वाइन किए। जॉब छोड़ दिया? जॉब छोड़ दिया। लगा कि वहाँ मेरा मंथली था 22,000 था। वहाँ पर जॉब स्किप करके आपसे बात करके सर, तो वहाँ मतलब जॉब स्किप करते हुए डर नहीं लगा कि यार? डर नहीं लगा, जाना कि नॉलेज जब इम्प्रूव होगा जॉब दौड़ के आएगा मेरे पास। और जैसे मेरा क्लास यहाँ एंड हुआ, 2 इंटरव्यू दिए, दोनों में सेलेक्ट हुए। तो उसमें से आपने एक जो बेटर वाला था हमारा, जैसे डिस्कशन हुआ था जिसमें आपको नॉलेज ज़्यादा, मतलब जो अगले 2 महीने में आपको सुपरवाइजर तक लेके जाए उस तरह का आप अभी 100% सर होगा। 100% हो। 100% तो क्वालिफिकेशन में क्या किया हुआ आपने? मैंने से बीटेक किया है सर। बीटेक किया है तो 2019 के पास आउट है। तो अभी मैं आपसे एक चीज़ और पूछूं, तो आप इंजीनियर की पोजीशन तक अगर मैं बोलूँ कि 35,000 रुपये तुम्हें लेनी है कम से कम, तो तुम्हारा कितने दिन का टारगेट है कि कितने दिन में पहुँच जाओगे? 1 ईयर प्लस 1 ईयर। तो मैक्सिमम देखो 1.5 साल के अंदर अंदर, 1 ईयर प्लस तो कुछ भी हो जाता है, 1.5 साल के अंदर अंदर आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको कम से कम 35,000 में पहुंचना है। क्योंकि देखो आपका नॉलेज काफ़ी अच्छा है, ग्रैबिंग पावर अच्छा है, पर्सनैलिटी अच्छी है, तो एक इंजीनियर के लिए ना ये सारी चीज़ें ज़रूरत हैं। और हम आपको सपोर्ट करेंगे आपके आगे ग्रोथ के लिए, क्योंकि हमारे पास है एग्जीक्यूटिव आपको बनना है तो इसी कोर्सेज में हमारे पास एड ऑन्स है। Okay, कि भाई जैसे HVAC का आपको नॉलेज कितना है? HVAC का SVC वहाँ नहीं था सर, कंडक्टेबल AC था। तो एक HVAC आपको ऐड करना पड़ेगा वहाँ काम करते करते। अभी इसके बाद में जैसे और भी चीज़ होती है, जैसे फैसिलिटी में हम काम करते हैं, तुम पता फायर फाइटिंग है, WTP है, STP है, ये सारी चीज़ें, मतलब तुम्हारा जो नेक्स्ट जंप है ना सुपरवाइजर के लिए, सारी चीज़ें तुम्हें टेक्निकली ऐड करनी पड़ेगी, इंप्रूव करना पड़ेगा। और फिर एक हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि हमने ऐप के ऊपर हमारा है मेल कैसे लिखें, और अपना कम्युनिकेशन मतलब इंग्लिश कैसे बोलें, उस तरह करके एक मेल है, सिर्फ 1,000 रुपये का है वो। और जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 1,000 रुपये मतलब 1 महीने का लोग ले लेते हैं, हमने साल का पैकेज दिया है उसमें 1,000 रुपये में, तो वो लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। और आपको भी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी उस तरह की। हाँ सर, ज्वाइन करेंगे सर। हाँ नहीं, उसको तो क्या है ना, अभी आपके आगे के कोर्स के लिए ना यहाँ आपको आने की ज़रूरत नहीं, आप वहीं से मोस्टली कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको गाइड भी उस तरह से करेंगे कि भाई आपकी जो जैसे अभी जो जॉब है वहाँ पर चिलर विलर सब कुछ है, तो आपको जब चिलर का कोर्स लेकर चीज़ें देखोगे ना तो एकदम चीज़ें मतलब बूम बोलते हैं ना, एकदम बूम अप पे जाएंगे वो। और जो नेक्स्ट जो तुम्हारा अभी हमने जो एक टारगेट बनाया है, गोल बनाया है कि 1.5 साल के अंदर अंदर देखो इंजीनियर लेवल तो 25,000 में भी चालू हो जाते हैं, बट मैं 35,000 क्यों बोला भाई, उतना तुम्हें पहुंचना है। तो ड्यूअल टारगेट है आपके पास कि पोजीशन तो आपको ठीक है, डेफिनेटली मिल जाएगी पोजीशन में, कोई दो राय नहीं, आप 1 साल के अंदर भी वो पोजीशन ले सकते हो। बट जो 35 है वो भी बहुत मुश्किल नहीं है, छोटा ही टारगेट मैंने आपको बोला है, तो वो इजीली अचीव हो जाएगा। तो इस तरह करके मतलब अभी ना आपको, जैसे तो आप जॉब छोड़ के आए हो तो आपका माइंड सेट उसी तरह से है कि भाई नहीं, मुझे ग्रो करना है लाइफ में, कुछ बेटर करना है, तो वो बेटर आपके लिए डेफिनेटली होगा। और ये वीडियो ना आप अगले साल जब देखोगे तो कुछ डिफरेंट ही प्लेटफॉर्म पर आप लोग आप अपने आप को पाओगे, और आप लोगों को बताओगे कि देखो ये दिन था जिस दिन मैंने कमिटमेंट किया था। तो इस वीडियो को ना अपने ऊपर ही रखना बिल्कुल, भाई मैंने आज कैमरे के सामने बैठ के कुछ कमिटमेंट किया है और वो मेरे सामने है, तो वो कमिटमेंट आपको ना याद रहेगा। यस सर। तो
ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें एक जो बाकी लोगों को एक सर फ्रॉड तो नहीं है, जैसे फोन आता है ना सर पैसे लेकर देंगे, तो उनको कुछ क्या मैसेज दें? हम सर तक किसी से पूछे भी नहीं थे, किसी से नहीं पूछे थे। हम जानेंगे जब सर यूट्यूब पर हैं तो ऐसा फ्रॉडबाजी हो ही नहीं सकता है। आज करेंगे तो कल तो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई ना कोई यूट्यूब पर कंप्लेन करेगा ये फ्रॉडबाजी करता है यूट्यूब चैनल बनाकर। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा तो कोई मिला नहीं आज तक। नहीं नहीं वो बात है बिल्कुल। हाँ, कुछ लगे का मन में डाउट आता है सर, बिल्कुल ये हाँ है सर, ये हाँ नहीं सर, हम 100% किसी से पूछे नहीं। जो बेंगलोर में जॉब छोड़े हैं सर, डायरेक्ट यहाँ आए। चलो चलो, तो मैं आपको आपके अच्छे भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ, और आपको मैं बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा आपके जो गोल अभी हमने सेट किए हैं उसके लिए। सुपरवाइज़र तो भाई मैंने कहा ना कुछ है ही नहीं उसके अंदर, तो तुम आज भी सीधे एक सुपरवाइज़र की ओपनिंग ले सकते थे, बट तुमने जो डिसाइड किया कि नहीं सर यहाँ पर लर्निंग का है, अभी मुझे ज़्यादा घूमना नहीं है, मैं थोड़ा सा अपने आप को और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लूँ, तो वो अब स्ट्रॉन्ग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। और कुछ जब HVAC को और ऐड करेंगे और जो मेलिंग वाला है मेलिंग वाले को ऐड करेंगे, तो ये आप एक डिफरेंट टाइप के पर्सन बन जाएंगे। लोगों को ना भाई लोगों को एक्सपीरियंस बहुत हो जाता है HVAC ये वो सब नॉलेज होगी, बट सर मुझे मेल नहीं करना आता, भाई तू इंजीनियर क्यों नहीं बन पा रहा है, सर मुझे मेल नहीं करना था, क्यों नहीं आता यार हमने, मतलब देखो स्किल्ड हिंदुस्तान हर बंदे को हर तरह से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो जो लोग भाई मेल से डर रहे हैं वो हमारा ऐप डाउनलोड करें, ऐप में आपको मेल का कोर्स मिलेगा, सिर्फ 1000 रुपये में एक साल का सब्सक्रिप्शन उसको दे रहे हैं, बहुत सारी मेल मिलेंगी आपको, कोई मेल लिखनी है आप उसमें डालेंगे सर मुझे ये मेल दीजिए, तो हम वो मेल आपको मिलेगी वहाँ पे। यस सर, यस। तो वहाँ पर एक पूरा बंच मिलेगा लोगों को मेल्स का कि किस तरह मेल लिखी जाती है, क्या है प्रॉब्लम आ गई चिलर में, MISM मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए अपने क्लाइंट को लिखनी है, रिक्वायरमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कैसे लिखनी है, तो वी डेफिनेटली सपोर्ट देम। ओके सर, तो ठीक है फ्रेंड, मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा, तो आज आपको ज्वाइन करना है।